हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है उत्तीर्ण अकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स हम एक बहुत ही अच्छी चर्चा करेंगे। एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, तापमान एवं उसका मापन। तो देखिए, इससे फिक्स है, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो कैसे भी घूम फिर के आए। तो आप कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। मैं इसको आपको बिना किसी फॉर्मूले के रटे हुए आपको मैं बहुत ही इजीली इसको समझाऊंगा कि एक तापमान को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है, देखिए आप, कि तापमान क्या है, तापमान क्या होता है, ये सबसे पहला पॉइंट है। तो तापमान का मतलब होता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। इसका हिंदी में अर्थ हुआ बच्चों कि गर्मी एवं ठंड का माप कि वो भौतिक राशि, ऐसी राशि जो हमें गर्मी और सर्दी का एहसास कराती है, उसको हम तापमान कहते हैं। तो तापमान का सीधा सीधा अर्थ है जो हमें गर्मी या ठंड, मतलब सर्दी और गर्मी का एहसास कराए, हॉटनेस और कोल्डनेस का एहसास कराए, उसको हम तापमान कहते हैं। तापमान जो है इसको एक मूल भौतिक राशि माना गया है। तो पहली बात तो ये थी कि तापमान होता क्या है। तापमान कुछ नहीं है, बस तापमान क्या है, गर्मी और ठंड का एहसास है, उसका माप है। देखो, तापमान का मतलब है सर्दी और गर्मी का मान, कि सर्दी कितनी है, गर्मी कितनी है, इस चीज का जो मापन है वही तापमान है। अब तापमान को हमने क्या माना है, मूल भौतिक राशि है। देखिए, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि हमने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अध्ययन हेतु हमने मूलभूत 7 भौतिक राशियां बना रखी हैं। 7 भौतिक राशियों में से तापमान भी एक मूल भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियों का जो मापन है, भौतिक राशियों को जो मापने की जो पद्धतियां हैं, वो मूल रूप से 2 पद्धतियां होती हैं बच्चों। एक होती है आपकी SI पद्धति और दूसरी होती है CGS पद्धति। एक आपकी होती है SI पद्धति और दूसरी होती है CGS पद्धति। SI पद्धति में ताप का जो मापन है वो होता है केल्विन में, मतलब तापमान को मापने के मूल रूप से 2 तरीके थे, 2 पैटर्न थे। पहला जो था SI पद्धति वो था केल्विन में। तो SI पद्धति में ताप का मात्रक क्या लेते हैं हम, केल्विन। दूसरा है CGS पद्धति में। तो CGS जो पद्धति है, CGS जो तरीका है, उसमें हम ताप का मापन करते हैं सेल्सियस में, ये CGS पद्धति। इसके अलावा ये सामान्य पद्धति है। तो अगर हम बात करें कि तापमान क्या है, तापमान सर्दी और गर्मी का मापन है। तापमान क्या है, तापमान एक मूल भौतिक राशि है। इस मूल भौतिक राशि का अध्ययन या इस मूल भौतिक राशि का जो मापन है वो 2 पद्धतियों के आधार पर किया जाता है, SI पद्धति और CGS पद्धति। SI पद्धति में तापमान का जो मात्रक है वो केल्विन होता है, CGS पद्धति में जो तापमान का जो मात्रक है वो होता है अपना सेल्सियस। तो ये हमें 2 बात समझ में आई कि पहले जो थे शुरुआत में 2 पद्धतियां चली और उनके आधार पे हमने तापमान का मापन शुरू किया। देखिए, तापमान का जो मापन है वो किया जाता है तापमापी के द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है। तापमापी के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तापमान का। और तापमान का मापन सामान्यतः 4 प्रकार की थर्मामीटर द्वारा किया जाता था। मुख्य कितनी है, 2 मुख्य है, 2 ये मुख्य है। मुख्य थर्मामीटर कितने हैं, 2 हैं। एक केल्विन, जो केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, दूसरा है सेल्सियस, जो सेल्सियस नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, उनके नाम के आधार पर ही 2 हैं ये।
तो ये दोनों तो हैं मुख्य, ये एसआई पद्धति है, ये सीजीएस पद्धति में मापन के लिए। इसके अलावा दो जो हैं वो सामान्य हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो फारनेआइट है, एक आपका फारनेआइट है और दूसरा है आपका रोमनेहाइट। इसको डिग्री एफ नोट से दर्शाते हैं, उसको दर्शाते हैं डिग्री आर से। तो दो चार चार पैमाने हो गए, चार तरह की थर्मामीटर हो सकते हैं, चार तरह की तापमापी हो सकती है, केल्विन तापमापी, सेल्सियस तापमापी, फारेनहाइट तापमापी और रोमनेहाइट तापमापी। तो चार तापमापियां हैं, इन चारों तापमापियों में आपको ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे कि इनका क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए इनका क्वेश्चन जो है वो जब आएगा तो एक तो ये आता है कि इस तापमान को इस दूसरे वाले तापमान में बदल लिए आप। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। देखिए अब मैं आपको यहां थोड़ा समझा देता हूं। डिग्री फारेनहाइट जो आपका, अगर आप देखना चाहते हैं रोमनेहाइट, तो वो वाला भी आपका ऐसे ही बनता है और वो जो है आपका जीरो से शुरू होता है और 80 तक जाता है, 80 डिग्री तक मिलता है, जीरो से 80 तक। तो वो जो है वो आपका रोमनेहाइट है, ये फारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, ये केल्विन है। इन चारों को संबंधित करने के लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, एक सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसी पे आधारित हमेशा प्रश्न आता है। तो ये सूत्र क्या है देखिए, आप जो भी सूत्र बनाना हो उसका तरीका देखिए क्या है। जैसे ये है तो आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस जो है वो जीरो से शुरू हो रहा है, तो ये डिग्री सेल्सियस माइनस जीरो अपॉन, वो कहां तक शुरू हो रहा है 100 तक, तो 100 में से जीरो गया तो क्या बचा 100, ये इसके लिए बना दिया। केल्विन के लिए बनाना है तो केल्विन के लिए भी यही करोगे, आपको किस में चाहिए केल्विन में, तो ये केल्विन हो गया। फिर माइनस कहां से शुरू है ये 273 से, 273.15 या 273 भी लिख सकते हो। उसके बाद में आप देखिए कहां तक है 373, तो 373 में से 273 गए तो कितने आए 100, इसमें भी 100 का भाग दे दी। यहां पे देखिए उसको बनाना है, उसको आपको पता है क्या है, वो डिग्री फारेनहाइट है। डिग्री फारेनहाइट कहां से शुरू होता है 32 से, 32 डिग्री फारेनहाइट से कहां तक जाता है 212 तक, 212 में से 32 गए तो कितने बचे 180, कितने बचे 180। अगले का बनाना है, अगले का फॉर्मूला वो रोमनेहाइट है, रोमनेहाइट शुरू होता है कहां से जीरो से, कहां तक जाता है, कहां तक जाता है 80 तक, तो आप ये बोलोगे जीरो से, जीरो से 80 तक, क्योंकि 80 में से जीरो गए। तो ये जो फॉर्मूला है आपको रटना नहीं है, ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूला हमें रटना नहीं है, ये जो है फॉर्मूला आपको बिल्कुल नहीं रटना है। मैं दोबारा समझा रहा हूं, देखो जहां से शुरू होता है, जैसे जो जो टेम्परेचर जहां से शुरू हो रहा है, देखो केल्विन पैमाना कहां से शुरू होता है 273 से और कहां तक जाता है 373 तक। सेल्सियस पैमाना कहां से शुरू होता है 0 डिग्री से और कहां तक जाता है 100 डिग्री तक। फारेनहाइट पैमाना जो है 32 डिग्री फारेनहाइट से शुरू होता है और कहां तक जाता है 212 डिग्री फारेनहाइट तक। रोमनेहाइट जो पैमाना है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, कहां तक जाता है 80 डिग्री रोमनेहाइट तक, वो वहां तक जाता है। अब हमें इनको बिल्कुल भी नहीं रटना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल भी आप रटोगे नहीं। इस फॉर्मूले पे आधारित बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे हम जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए अब दोबारा से मैं फॉर्मूला बना रहा हूं जो बिल्कुल नहीं रटना है आपको, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं। ये आपका है केल्विन पैमाना, ये आपका है डिग्री सेल्सियस पैमाना, ये आपका है डिग्री फारेनहाइट पैमाना और ये है डिग्री रोमनेहाइट पैमाना। मैं आपसे बोल रहा हूं जिस भी चीज का फॉर्मूला बनाते हैं वो पहले लिखते हैं, तो के, अब के जो है केल्विन जो पैमाना है ये कहां से शुरू हो रहा है 273 से, तो माइनस 273.15 से अपॉन में क्या है कहां तक जा रहा है 373, तो 373 में से आपको 273 घटाना है, वो अपॉन में लिखना है, तो 373 में से 273 गया तो कितना बचा 100, आप इसको 273 ही लिख लीजिए, पॉइंटों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में आप आइए यहां से, जीरो डिग्री सेल्सियस पैमाना चाहिए, कहां से शुरू हो रहा है जीरो से, तो जीरो नीचे अपॉन में क्या लिखेंगे कहां तक है 100, 100 में से जीरो गया तो 100 बचे, तो ये आपका डिग्री सेल्सियस पैमाना होगा। अब आपका लिखना है डिग्री फारेनहाइट, तो डिग्री फारेनहाइट कहां से शुरू हो रहा है 32 से,
तो 32 जब वो शुरू होता है वो ऊपर लिखेंगे। कहां तक जा रहा है 212 तक, तो 212 में से 32 घटाए तो कितने बचे 180। फिर उसके बाद में देखिए आप ये कहां से शुरू हो रहा है रोमनेट पैमाना, सर जीरो से, तो जीरो से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है 80 तक, ये 80। मैं इसको और सोल्व करूं आगे तो आप देख रहे हो ये दो के पहाड़े से कट जाएगा, ये देखिए ये जीरो भी कट रहा है और दो के पहाड़े से कटेगा, तो एक बहुत ही सरल सा फॉर्मूला आ जाएगा, बटा 5 अपॉन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 अपॉन 5, ये आ गया डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, ये आ गया डिग्री रोमनेट माइनस 0 अपॉन 4, उसमें सबके दो दो के भाग दे दी। ये जो फॉर्मूला है ये आपके हर कैलकुलेशन में काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल बाहर नहीं जाने वाले, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले, और इसको रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस ये याद होने चाहिए और ये अपने आप याद हो जाएगा। देखो अब यहां पे एक बात और सुनना, जल का हिमांक बिंदु मतलब जल कितने टेम्परेचर पे बर्फ बना लेता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कमरे का तापमान कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का क्वथनांक कितना होता है जिसपे वो उबलने लग जाता है, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो तापमान जिस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना है, अधिकतम घनत्व होता है जल का, अधिकतम घनत्व जल का, अधिकतम घनत्व जल का अधिकतम। तो पांच बातें याद रखेंगे एक बार दोबारा, जल का हिमांक बिंदु कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का वह तापमान जिस पर उसका घनत्व अधिकतम होता है वो कितना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कमरे का ताप कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मानव शरीर का ताप कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल कितने टेम्परेचर पे उबलता है अर्थात उसका क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पांच बातें याद रखनी है, उसके बाद में ये फॉर्मूला याद रखना है लेकिन समझते हुए रटना नहीं है, अगर आप रटोगे तो इसको भूल जाओगे, इसको नहीं भूले तो आपका 1% तो पक्का सही है एग्जाम में, किसी भी तरीके का जो 1% आएगा वो बिल्कुल सही है। तो इसके बाद में हम अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस देखिए अब आप, अब हम देखिए पांच क्वेश्चन कर रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ा है उससे संबंधित, ये मैं बता रहा हूं कि खूब सारे एग्जाम में आपके रेलवे के एग्जाम में तो हर साल कोई ना कोई प्रश्न आ रहा है इनसे, चाहे वो कैसे भी घुमा फिरा के दें आपको लेकिन पूछेगा इनसे संबंधित ही। और कन्वर्जन मतलब एक तापमान को दूसरे में बदलने का प्रश्न तो अनिवार्य है, आता ही आता है। जैसे देखिए ये आपके पहला जो क्वेश्चन है, पहले हम हमारा सूत्र लिख लेते हैं, वो सूत्र याद नहीं करना है आपको, मैंने पहले भी बोला था आपको समझना है उस सूत्र को, और समझने से पहले आपको मैं बता दूं वो कैसे बनाया था आपने, यहाँ केल्विन लिया था फिर 273 लिए थे, नीचे कितना लिया था उसमें, उसमें लिया था हमने 5, फिर उसके बाद में हमने डिग्री सेल्सियस लिया था, डिग्री सेल्सियस में 0 लिया था, फिर यहाँ नीचे कितना लिया था उसमें भी 5 लिया था, फिर लिया था डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, फिर यहाँ पे कितना लिया था 9, फिर उसके बाद में लिया था ये रोमनेट माइनस 0, इसमें कितना लिया था 4। ये आपका फॉर्मूला आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको वैसे याद हो जाएगा जैसे आप थर्मामीटरों को सामने रखोगे, मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से आप देख सकते हो। देखिए पहला जो प्रश्न है हमारा उसका ये है, यहाँ पे क्वेश्चन देगी निम्न में से कौन सही है, तो आप वहां से मैच कर लीजिए जो सही बैठ रहा है वो है, डिग्री फारेनहाइट में 32 जोड़ने के लिए कह रहा है ये तो कभी होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। डिग्री फारेनहाइट में से माइनस 32 घटा रहा है ये बिल्कुल देखेंगे, तो डिग्री फारेनहाइट में से 32 गया फिर नीचे लिख रखा है 9, और डिग्री सेल्सियस को 5 से, तो डिग्री सेल्सियस में 5, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही है बिना पढ़े, आगे के ऑप्शन पढ़ने की दिक्कत भी नहीं है, बस आप इतना सा देखते जाएं उस फॉर्मूले से 1% आया हुआ है 2009 में, वो बिल्कुल हमारा हो गया, और जबकि उस फॉर्मूले को हमने रटा भी नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ आपने समझा था, ये ध्यान रखने की बात है। देखिए न्यूनतम संभव ताप है, देखो आपने तीन तरह के थर्मामीटर देखे थे, इसमें आपने देखा था नीचे सबसे नीचे वाला बिंदु था 273, इसमें आपने देखा था 0 था, इसमें आपने देखा था 32 था फारेनहाइट में, और इसमें आपने देखा था 0 था। तो देखो इनमें तो सबसे नीचे आ लिया 0, 0 से नीचे तो क्या होगा 0 हो लिया, इनमें भी 0 हो लिया। अब इसमें अगर हम 0 तक जाएंगे तो माइनस 32,
तो माइनस बत्तीस तक गए तो जीरो आ जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब इन तीनों में जीरो, इसमें माइनस बत्तीस बचा था, इनमें ऑलरेडी है। अच्छा इसमें जीरो कब होगा बताना, इसमें जीरो तब होगा जब माइनस 273 करोगे आप, तब जीरो पे आएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव मान किसमें संभव है, केल्विन में। तो अब देखो यहाँ न्यूनतम संभव मान या न्यूनतम संभव ताप है जीरो, वो तो जीरो तो है ही। 273 देखो, माइनस 273 तक आ सकते हो आप बिल्कुल। तो इसका आंसर कौन सा का चला गया, दूसरा। क्या माइनस 300 संभव है? नहीं, ये तो प्लस में है तो ये तो वैसे ही दिक्कत नहीं। तो हमने इसको आसानी से देख लिया, जबकि आपके सामने जो थर्मामीटर मैंने बनाए थे उन थर्मामीटर में आपने देखा है कि 273 इसी में संभव है, तो माइनस 273 तक संभव है। उसके बाद में मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट है, तो डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? आप यहां पे रख दोगे 98 कितना है ये 6, और डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ये फॉर्मूला लगेगा तीसरे क्वेश्चन के अंदर, आपके तीसरे क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद में देखिए, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, इसको देखिए आप थोड़ा सा, एक मनुष्य का ताप या एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम डिग्री फारेनहाइट में क्या होगा? तो डिग्री फारेनहाइट में पूछ रहा है, 60 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो देखिए ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि डिग्री फारेनहाइट और डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में कितना दिया है? 60 दिया है, तो डिग्री सेल्सियस 60 दिया है, तो 60 माइनस 0 अपॉन 5 बराबर एफ डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। इसके बाद में इसको गुना करोगे तो ये कितना आ गया, 540 अपॉन 5 बराबर डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। इसका देख लीजिए, अगर भाग चला जाता है तो चला जाएगा, तो अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार, और 5 × 40 ठीक है, और ये होगा डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, ये इधर लाके जोड़ोगे तो ये कितने हो गए, 8 × 2 = 10 = 140। तो क्या इसमें ऑप्शन है 140? ये आपका ये रहा ऑप्शन, 140 डिग्री फारेनहाइट। तो ये आसानी से हमने ज्ञात कर लिया उस फॉर्मूले में रख के, बस सिर्फ आप फॉर्मूला रख रहे हो और आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जा रहे हैं। आप क्या करते हो, इन फॉर्मूलों को रटते हो, ये फॉर्मूले अगर आप रटोगे तो वहां एग्जाम में भूलोगे आप कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एग्जाम में ऊपर नीचे करके देंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज होते ये फॉर्मूले भूले और आपके जो बहुत ही सरल क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो देखो 300 केल्विन के बराबर करना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात कर रहा है ये वाली, तो देखो इस फॉर्मूले को देखते हो तो ये दोनों तो कट गए, तो इसका मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हो तो ये इधर जाएगा, तो कितना होगा 273। अगर आपको केल्विन बनाना है तो डिग्री सेल्सियस में आप 273 जोड़ दीजिए, लेकिन वो कह रहा है सेल्सियस बनाना है हमें, तो इसका मतलब कितना दे रखा है, केल्विन, केल्विन दिया हुआ है 300, डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है 273, तो 300 में से 273 घटा दो आप, तो कितने बच गए 30, 30 डिग्री सेल्सियस पर 300 केल्विन के बराबर है, तो आपका 27 बचेगा यहां, क्योंकि इसमें से गया 27 डिग्री सेल्सियस बचेगा, तो 27 डिग्री ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है यहां पे। तो हमने ये पांच क्वेश्चन देखे आपको, एक थोड़ा सा मैंने बताया कि किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, और इस फॉर्मूले के आधार पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं जो अभी तक बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, और इस फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं रटना है। अगर इस फॉर्मूले को आप थर्मामीटर के साथ में पढ़ोगे तो ये बिल्कुल आपको याद होगा, और आपका एक क्वेश्चन पक्का है जो आपके बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग करेगा। धन्यवाद। तो ये आप इसको पढ़िए, और भी जो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप उनको कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको और संभव हो, और हमें कमेंट्स करके बताइए जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो और हम आगे आपके लिए और अच्छा वीडियो लेके आए। धन्यवाद। ओके।